हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे क्लास। आज आम एमिशन ऑफ लाइट रो पढ़िबा। द सेल्स इन द टॉर्च हैव केमिकल्स। द टॉर्च एमिट लाइट्स बिकॉज ऑफ द केमिकल्स इन द सेल्स। इट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल चेंज। टॉर्च भितर सेल्स रही बैटेरी रही, तो से बैटेरी कौन रही किसी केमिकल्स रही। व्हेन टॉर्च एमिट्स लाइट, जेतेबेले टॉर्चटा लाइट दौचे केतेबेले बिकॉज ऑफ द केमिकल्स इन द सेल, सेल्स रे जो केमिकल्स रहिचे सेते पय टॉर्च रे लाइट आसचे। इट इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल चेंज। द एग्जांपल ऑफ ए केमिकल चेंज इज आल्सो इज टॉर्च, एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च। देन नेक्स्ट एग्जांपल, कैंडल्स प्रोड्यूस लाइट व्हेन वी लिट देम। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स इज ए केमिकल चेंज। तो कैंडल जिते बड़े जलुचे से लाइट दौचे, तो बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, वैक्सटा बर्निंग है कि कौन हम मेल्ट हो, तो सही गोटे केमिकल चेंज रो एग्जांपल। व्हेन वी लाइट ए कैंडल, सॉलिड वैक्स मेल्ट्स टू लिक्विड वैक्स एंड इवापोरेट्स। जिते बड़े आम गोटे कैंडल को लाइट करचे बा जलाऊे से कौन हो, ये सॉलिड सब्सटेंसटा जो रही मेल्ट हो जाए, मेल्ट हो रोज आउ किसी इवापोरेशन हो चली जाऊँगी। इट इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज व्हेन वी व्हेन द वैक्स इज मेल्ट देन इट अगेन सॉलिडिफाय साइमल्टेनियसली द वैक्स वेपर्स बर्न्स एंड इट इज ए केमिकल चेंज। से हीपरी भाव में वैक्स वेपरटा जिते बड़े जलिजी से गोटे केमिकल चेंज हो। Thus, in a burning candle, both physical and chemical change occurs. In a burning candle, both physical and chemical change occurs. How do changes occur? एबे हमें जानिबा ये जो changes उड़ा को होजे केमती होज। Both physical and chemical changes are brought about by the interaction between matter and energy. मैटर आउ एनर्जी भितर इंटरेक्शन है फिजिकल आउ केमिकल चेंजेस हुए। द इंटरेक्शन कुड बी बिटवीन मैटर एंड हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इंटरेक्शन हो मैटर आउ एनर्जी भितर, तो से गुड़ाक कौन हो पारे, मैटर हो पारे, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी हो पारे। जदि मैटर आउ हीट भितर इंटरेक्शन हम ताले चेंजेस घटव, कि मैटर लाइट मैटर इलेक्ट्रिसिटी मध्यरे मध्य इंटरेक्शन हेले चेंजेस घटिबो। नेक्स्ट, इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। द इंटरेक्शन कुड बी बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। तो ये जो इंटरेक्शन गुड़ाक दुईटा डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर रहे। एग्जांपल, व्हेन वी मिक्स सल्फर पाउडर विथ आयरन फिलिंग्स विदाउट इनवॉल्विंग एनर्जी, ए फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस। व्हेन वी मिक्स सल्फर पाउडर विथ आयरन फिलिंग्स, छोट छोट आयरन जो फिलिंग्स को लेकिन जदि आम से सल्फर पाउडर मिसेवा तो कौन हम फिजिकल चेंजेस देखा देव। देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। तले दुटा डिफरेंट काइंड रो मैटर किए रहा, सल्फर पाउडर आउ आयरन फिलिंग्स। बट दीज पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड इजिली बाय यूजिंग मैग्नेट, बिकॉज वी नो मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल्स। So iron particles can be separated from sulfur powder. If this mixture of iron and sulfur is heated, but then the condition kahuchi, if iron and sulfur ko jodi ame heat kariba, a new black substance is formed. It is a chemical change. In chemical change, a new substance is occur. Iron sulfur is heated, then a new black substance formed. So it is a chemical change. And thus the properties of the product differ from the original mixture. The original mixture re jaha thibo taku heat kala pare se product ta alga he jibo. Now the iron particles cannot be attracted and separated from the black substance from by using a magnet. Heat kala pare jo black color ra gote substance create hela taku ame magnet ne ki आउ तक सेपरेसन करना, कहीं कारण आयरन पार्टिकल गुड़ाक सल्फर सहित मिसी जाइंट, तो से आम बाहर करना आयरन पार्टिकल्स को।
मिक्सचर ऑफ सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग्स. सल्फर पाउडर ये येलो टाइप रे देखा आयरन फिलिंग्स गुड़ाक आयरन फिलिंग्सटा ब्लैक कलर किसी देखा जा सब्सटेंस गुड़ाक. तो ये आम जदि आम गोटे मैग्नेट नमा मैग्नेट को लेकिन एडिट कला मैंने से जो ब्लैक कलर सब्सटेंस बा आयरन फिलिंग्स गुड़ाक रही से गुड़ाक सब आट्राक्ट हो चल आस. बट इन सेकेंड फिगर मिक्सचर ऑफ सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग्स आफ्टर हीटिंग हीटिंग कलापर गोटे ब्लैक कलर सब्सटेंस गोटे फॉर्म हो तो आम जदि गोटे मैग्नेट नहीं कि आट्राक्ट कराइबा तो ये केबे भी आट्राक्ट हबा ना कारण आयरन फिलिंगटा सल्फर पाउडर सहित मिसी जाए आउर केमिकल चेंजेस हो जाए तो से आम आयरन फिलिंगसटा को अलग करना. नेक्स्ट इंटराक्शन बिटवीन मैटर एंड हीट. मैटर आउ हीट भितर इंटराक्शन केमती हो. हीट इंटराक्ट्स विथ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट वे टू ब्रिंग अबाउट मेनी काइंड ऑफ चेंजेस सच एज चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर थ्री टाइप ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन. एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन आर फिजिकल चेंजेस. ताले एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो रोचे सेटा फिजिकल चेंजेस रे एग्जांपल. तो फर्स्ट आम एक्सपेंशन पढ़वा. द इनक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन. व्हाट इज एक्सपेंशन. द इनक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट रो साइज जितेबेले इनक्रीज हुए ड्यू टू हीटिंग हीटिंग पाए सेतेबेले ताको एक्सपेंशन हेला बोले कहबा. ऑन हीटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड रिजल्ट इन एक्सपेंशन. हीटिंग रे कौन हुए मॉलिक्यूल्स गुड़ाक मूव करते जहाँफल कि जड़े अंजन ठू अलग जाते. इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड दे मूव वेरी लिटिल. जितेबले सॉलिड स्टेट रही तो से मैटर रे मॉलिक्यूल गुड़ाक पूरा टाइटली पैक होकर मूवमेंटा बहुत कम वेरी लिटिल. दिस इज द रीजन दैट सॉलिड्स एक्सपांड लेस्ट. से सॉलिड गुड़ाक बहुत कम एक्सपांड करते. समटाइम्स द एक्सपेंशन इज नॉट ऑब्जर्व. तो किसी टाइम रे हम एक्सपेंशन ऑब्जर्व कर पारिबा नाही. इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड एंड दे कैन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन हीटिंग. लिक्विड्स रे हम जानचे मॉलिक्यूल गुडा को लूजली पैक हे दांते सेते पई हमें ताको जो थरे भी ढालिबा तो सेटा सही सेफ और ही देखेबा. दे कैन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन हीटिंग. तो से माने हीट कला माने से मूव करके चले जिवे. द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जनरली इनक्रीज ऑन हीटिंग. हीटिंग कला माने लिक्विड रो जो वॉल्यूमटा रही थी सेटा मध्य इनक्रीज हे. नेक्स्ट फिगर रही लिक्विड मर्क्यूरी एक्सपांड एंड राइजेस अप इन द कॉलम व्हेन टेम्परेचर इनक्रीजेस. जिते बेले माने जितेबले टेम्परेचरटा बढ़ुचे सेतेबेले कौन हो मर्क्यूरीटा एक्सपांड करी चलेछि. इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड एंड दस दे मोर फार्दर फ्रॉम ईच अदर व्हेन हीटेड. आउ गैस रे कौन हो मॉलिक्यूल्स गुड़ाक बहुत लूजली पैक्ड होकर रही था. ताले मॉलिक्यूल्स गुड़ाक टाइटली पैक हो सॉलिड रे टिके लेस टाइट पैक हो लिक्विड रे और पूरा लूजली पैक्ड हो गैस रे. दस दे मूव फार्दर फ्रॉम ईच अदर व्हेन हीटेड. तो हीट कला माने से मूव करके चली जाते. द वॉल्यूम ऑफ गैस इनक्रीजेस द मोस्ट ऑन हीटिंग. जिते बड़े हीट करा जाए से द वॉल्यूम ऑफ गैस गैस रो वॉल्यूमटा इनक्रीज करे. द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम आट 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस रे वाटर वॉल्यूमटा मिनिमम रहता है. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम आट 4 डिग्री सेल्सियस. तो डेंसिटी ऑफ वाटर टा केते बेले मैक्सिमम ही थे 4 डिग्री सेल्सियस रे मैक्सिमम होय थे. द प्रेशर ऑफ एयर इन टायर्स ऑफ व्हीकल्स इज लेस इन समर्स एज एयर इनसाइड द टायर्स एक्सपांड्स. तो एयर रे जो प्रेशर टा रही थे सेटा टायर व्हीकल टायर रे टिके कम रही थे समर सीजन रे जेमती टायर टा एक्सपांड न करे जाए. मैंने समर सीजन में टेम्परेचर टा अधिक रही था. टेम्परेचर अधिक रहा मैंने एक्सपांड करेंगे तो से कम एयर दि जाए. नेक्स्ट कंट्रैक्शन द रिडक्शन इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंट्रैक्शन.
एक्सपेंशन कौन थिला हिटिंग पेरे जिते बड़े इंक्रीज इन साइज तो कंट्रैक्शन होची रिडक्शन इन साइज जिते बड़े साइज टा रिडक्शन हो जाए सेते बड़े द रिडक्शन इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंट्रैक्शन तले कंट्रैक्शन कौन रिडक्शन इन साइज जदि गोटे ऑब्जेक्ट रही ऑब्जेक्टर साइज टा जदि मान रिड्यूस हो जाए ताले ताको हमें कंट्रैक्शन कहबा इट इज मैक्सिमम इन गैसेस एंड मिनिमम इन सॉलिड्स ये जो कंट्रैक्शन टा गैसेस रे मैक्सिमम रही थाए और सॉलिड स्टेट रे मिनिमम रही थाए ऑन कूलिंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कम क्लोजर एंड रिजल्ट इन कंट्रैक्शन तो कूलिंग रे पार्टिकल्स गुड़ाक कौन करती पूरा पाखापाखी आसती और कंट्रैक्शन होती द केबल वायर्स आर लेफ्ट लूज इन समर सो दैट दे डू नॉट ब्रेक व्हेन दे कंट्रैक्ट इन विंटर्स केबल वायर गुड़ाक से गुड़ाक लूजली समर दे था जहाँफल कि से माने आउ भांगती नहीं ब्रेक करती नहीं विंटर रे इन एन इन्फ्लेटेड बेलून इज केप्ट इन फ्रीजर इट्स साइज डिक्रीजेस एज द एयर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बलून कंट्रैक्ट जदि गोटे बेलून को नहीं कि आम फ्रिज्रे रखिदेव तो तार साइज कह आस्ते डिक्रीज हो कहीं तार जो एयर मॉलिक्यूल्स गुड़ाक रही थी बेलून भितर से कंट्रैक्ट करदेव वाटर डज नॉट कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग इट एक्सपैंड्स वाटर के बेबी कूलिंग टाइम रे कंट्रैक्ट करेन से एक्सपैंड करे इट इज बिकॉज वाटर ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू आइस एंड देयर आर एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन आइस पार्टिकल्स तो कहीं हुए कहीं कूलिंग समय रे वाटर टा आइस रे कन्वर्ट हो जाए देन एम्प्टी स्पेस गुड़ाक जो रही थाए से आइस पार्टिकल रे फिल हो जाए दस द वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन दैट ऑफ वाटर सो आइस रो वॉल्यूम टा अधिक हो जाए वाटर ठार आर नेक्स्ट क्लास रे हमें क्वेश्चन आंसर करिबा थैंक यू भिडियो भल लगी निश्चित भाव लाइक शेयर कमेंट करूँ नुआ होते सब्सक्राइब करूँ थैंक यू।